नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अवैध मिट्टी खनन की खबर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ दबंगों ने मारपीट कर जानमाल की दी धमकी। हजार गोंडा स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरवा के मजरा घूरनपुरवा के बगल ग्राम बराप में जेसीबी मशीन से अवैध मिट्टी खनन की खबर कवरेज करने को लेकर एक पत्रकार के साथ दबंग व्यक्ति द्वारा मारपीट करके जान से मारने की धमकी देते हुए फोन छेद कर तोड़ने की धमकी दी गई, जिसके संबंध में पीड़ित पत्रकार ने कटरा बाजार थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मामले में थानाध्यक्ष उत्पन्न कुमार ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोरवा के मजरा घूरनपुरवा के बगल बराव गांव से जुड़ा है, जहां शनिवार 2 जुलाई 2022 को सुबह जेसीबी के माध्यम से अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को मिली और वह खबर को कवरेज करने के लिए निकल पड़े, मगर वहां का दबंग और मनबढ़ व्यक्ति रेहान खान उर्फ सोनू पुत्र आजाद निवासी ग्राम खिंदूरी ने बुलेट गाड़ी से पहुंचकर पत्रकार से दबंगई पूर्वक गाली गलौज करते हुए मारपीट करके जान से मारने की धमकी देते हुए फोन छीन कर तोड़ने की धमकी दी, जिसके संबंध में पीड़ित पत्रकार ने कटरा बाजार थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मामले में थानाध्यक्ष उत्पन्न कुमार ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट पैजनाथ अवस्थी। ये आपका क्या नाम है, आपका पूरा मामला क्या है? मेरा नाम श्यामपुर तिवारी है। मैं हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक खबर प्रभास से जिला ब्यूरो की पद पर गोंडा में काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे सूत्रों के द्वारा सूचना मिली कि अवैध मिट्टी खनन जेसीबी से कराया जा रहा है। तो हमने मौके पर पहुंचा, वहां पर मैंने जेसीबी को चलते हुए पाया गया, उसका मैंने फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद मैं आया ब्रह्म बाबा का स्थान घूरनपुरवा है बगल में, तो वहां पर ब्रह्म बाबा पर रुक गया। वहां पर रुके तो इधर से रेहान खान जो बुलेट से पहुंचे और माँ गंदी गंदी गालियाँ आबद्ध करते हुए और मारपीट करने की माफ किया, जो कि हमारे गाड़ी की चाबी छीन ली गई और वहां पर मोबाइल तोड़ देने की धमकी दिया गया और जान से मारने की भी धमकी मुझे दिया गया। तो आपने कहीं तहरीर की? जी, मैंने थाना कटरा बाजार में तहरीर किया। वहाँ के एसपी आपको क्या आश्वासन दे? जी, आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। आप क्या चाहते हैं? जी, हम मुकदमा पंजीकृत करवाना चाहते हैं। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे अभद्र मारपीट या अभद्र तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो ऐसी कोई योजना बनाई जाए सरकार के द्वारा कि जो किस जो पीड़ित पत्रकार हैं या पत्रकारों पर आए दिन अभद्रता हो रहा है, ये मतलब रोका जाए, जो कि इससे कंट्रोल किया जाए, जो कि जनता में पत्रकारों में हौसला बुलंद रहे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।